या तो ये रोड देखो, ये रोड कितना ज़्यादा सुंदर है। ये जो सामने है ये हमारा मेस है, और जो वो रोड दिख रही है उस रोड के इधर से लेफ्ट जाके हमारा हॉस्टल है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे मेस के आना पड़ता था, हमारा हॉस्टल वहाँ पे है। तो हमें एटलीस्ट 400 मीटर चलना पड़ता था हमारे हॉस्टल से मेस आने के लिए, जो कि एकदम टास्क था, जो कि अभी भी ये लोग कर रहे हैं और पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो अभी मैं नोएडा में हूँ, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है, एक शादी से आया हूँ और रुड़की अभी बस में इस हालत में तो नहीं जा सकता हूँ, तो फटाफट से अपना टायर चेंज करता हूँ इन 3, 2, 1। काश पर एक्चुअली रेडियो ना भी इतना आसान होता, मैं हर बार ये बोलता हूँ पर हर बार ये लगता है, क्योंकि मुझे ये करने में 1 सेकंड दिख रहा है बट मेरे को 20 मिनट लगा अभी सब कुछ समेटने में। तो अभी बस कैमरा बैग, ट्रॉली और बैग बचा है, लैपटॉप बैग, बस मैं शूज़ डालूंगा और निकलूंगा। यार कैब की स्ट्राइक है तो आई डोंट नो कैब भी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेट्रो से आना पड़ेगा अदर रास्ता तो, बट हाँ फटाफट से बुक करता हूँ, निकल रहा हूँ। आधा घंटा ट्राई करने के बाद अब जाके कैब मिली है यार, अब निकल रहा हूँ। काफ़ी लेट हो गया हूँ, 7:15 हो गया है, सोचा था 6 बजे निकल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा बस स्टैंड, बट ये कोई बात नहीं, फटाफट से निकलता हूँ। मेरे साथ एक और फ्रेंड भी जा रहा है, तो अभी वो भी कश्मीर गेट मिलेगा आई थिंक, वो मेरे से पहले पहुँच जाएगा, बट हाँ यार फाइनली कैब हुई है, निकलता हूँ बाय। यार तो कैब के साथ इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुंच ही गया हूँ, मेट्रो आ गई है तो यार फाइनली बस स्टैंड पहुंच गया हूँ। अभी तो मैं रात भर नहीं सोया, एकदम नींद आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग बना रहा। बस यहाँ खड़ी है तो अपन बस निकल रहे हैं अभी रुड़की के लिए, 4-5 घंटा रहेगा, रुड़की जाता हूँ थोड़ा सा सोऊंगा शायद। यार तो कैंपस का गेट पहुंच गए हैं, बहुत ही इमोशनल मोमेंट लग रहा है यार ये तो, कितने टाइम बाद तमीज से कैंपस आए हो, एंड बस रोड के उस तरफ है अभी तो, फटाफट से चलते हैं, आराम से व्लॉग करूंगा फिर अंदर जाके। तो कैंपस के अंदर आ गया हूँ, कितना बड़े लग रहा है यहाँ पे आके, एंड अगर मैं दिखाऊँ तो आगे भी यार एकदम, कितने टाइम बाद यहाँ पे तमीज़ से वॉक कर रहा हूँ, जहाँ पे इतने ज़्यादा टाइम रहे थे, इतने ज़्यादा ऑफ्टन आते थे। तो यार बस अब मैं अंदर वॉक कर रहा हूँ गेस्ट हाउस की तरफ, ये ज़रा उसका शॉप है जहाँ पे हम लोग आते थे, ये जो पीछे दिख रहा है हॉस्टल है, और जो ये बालकनी दिख रही है एक्चुअली इनमें से हमारे फ्रेंड्स के रूम थे मेरे, इसके जस्ट उस तरफ वाले रूम थे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये PhD और मास्टर्स का हॉस्टल है जो हमारा दिखता था और मेन गेट के काफ़ी पास है। तो सामने रास्ता जा रहा है ये मेरे डिपार्टमेंट का रास्ता था, ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है और ये मेरा हॉस्टल है, दिख रहा है रविंद्र भवन। और KIH चलेंगे क्या? KIH हाँ। तो ये था हॉस्टल का गेट, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया, पेंट वेंट हो गया है। अभी मैं फटाफट से ई रिक्शा ले रहा हूँ, पहले गेस्ट हाउस जा रहा हूँ सामान रखता हूँ, क्योंकि बहुत सामान है, ब्लॉग भी नहीं हो पा रहा, घुमा भी नहीं जा रहा, लोगों से भी नहीं मिल पाऊँगा, फटाफट से गेस्ट हाउस जाता हूँ, चेंज करता हूँ, सामान रखता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है तो गेस्ट हाउस मिल गया यार, रूम डिसेंट है, मतलब लिवेबल है, क्या दिक्कत है, रूम में तो वैसे भी रहना नहीं है मेरे को, केवल सोने और नहाने आना है। एंड यार हाँ बस अभी मैं फटाफट से नहाता हूँ क्योंकि बस के ट्रायल का खत्म हो गया, फटाफट से नहाता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मिलने को, फटाफट से मिलते हैं और फिर उसके बाद मैं कैमरा पे स्विच करता हूँ इन 3, 2, 1। ओके तो चेंज तो कर लिया है, बस अब कैमरा मैं स्विच कर लेता हूँ फॉर अ बेटर वीडियो क्वालिटी। अब मैं निकल रहा हूँ रूम से फाइनली, सब कुछ रेडी हो गया है, शूज़ जिनसे मैं ऑब्सेस्ड हूं ऑफकोर्स एज यू नो पहले वीडियो से, अब रूम पे और कुछ बना रहा है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर बनाऊंगा। तो यार ये है वो गेस्ट हाउस बाहर से, अभी हम लोग ये पूरा गेस्ट हाउस ही है, अभी बस मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। चलो अभी बस ई रिक्शा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो बस थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पे ई रिक्शा मिल जाएगा, फिर उसके बाद फटाफट से हॉस्टल पहुँचता हूँ, एक जूनियर वेट कर रहा है और कुछ खाना भी है, बहुत भूख लग रही है, फिर अपना रूम देखने पुराना और एक बार डिपार्टमेंट हो जाऊँगा, थोड़े प्रोफेसर से मिलना है। और ये जो सामने दिख रहा है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग आते थे ऐसे कुछ तो लैब करने, यहाँ पे वेल्डिंग कराते थे मैं फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे भी मेमोरीज है। ओके ऑलराइट, तो मेरे हॉस्टल आ गए, अभी काफ़ी सारा कुछ चेंज हो गया, मैं खुद ही काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, एक बार दिखाता हूँ। व्हाट्सअप, कहाँ जा रहे भाई? मेरा क्विज है अभी, क्या करेगा तो देखे अरे मतलब एग्जाम दे आ दिया, कब तक हो आप यहाँ पे? या यहीं पे थोड़ी देर, कितने देर में आएगा? 1 घंटे में आ जाऊँगा। ठीक है देख, मैं अभी थोड़ी देर कैंटीन बैठूंगा, 1.5 घंटा ऐसे लग जाएगा, एक बार रूम जाऊंगा। हाँ। और बाकी कोई और मिल जाएगा पक्का, तो यहीं पे बैठूंगा, आप मेरा रूम देखना एक बार। ठीक है चलो ठीक है पक्का, ये तो वीडियो पे देखो अब, चलो ठीक है कूल है, ऑल द बेस्ट। या तो कॉमन रूम काफी चेंज हो गया, काफी बढ़िया आर्ट है, हमारे कॉलेज के जो लोग अभी बनाते हैं, काफी सुंदर है ऑफकोर्स, एंड यहाँ पे भी है, एंड ये मेरे टाइम का है, जब मैं था तो एग्जिस्ट करता था, बाकी सब कुछ नहीं है जो अभी तक दिखाया, ये भी नया है यार एक्चुअली, ये भी पहले नहीं था। ठीक है तो सबसे पहले कैंटीन आया यार, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, और ये हमारे रविंद्र की कैंटीन थी जहाँ पे 3 साल सर्वाइव किया खा खा के, और ये मायन है, ये भी प्रोडक्ट मैनेजर बनने वाला है थोड़े टाइम में,
वो अभी फील नहीं होता ना कि बनाऊं प्रॉपर हो जाएगा, फील आ जाएगा वो भी सही। बाहर बैठते हैं। तो कैंटीन में खाना है जो कि जनरली कहीं और नहीं मिलता है, ये मसाला पेटीज है और मैंगो शेक और पास्ता, बट मसाला पेटीज बहुत ही स्पेशल सी होती है रुड़की की। ऑल दो मैन ने बोला है कि दूसरे हॉस्टल की बेटर है, बट मेरे को अपने हॉस्टल आना था पहले तो फटाफट ये खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपना रूम देखने जा रहा हूँ। मेरे को देखना है कि कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है रूम पे। या तो ये मेरा रूम था सेकंड ईयर में, अभी तो इनका रूम है जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, बट हाँ यार ये रूम हुआ करता था। और रूम के बाहर बालकनी है जहाँ पे बालकनी नहीं ऐसा बैडमिंटन कोर्ट है जहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे। और जो ये वाला रूम है जहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ, ये मेरा सेकंड और थर्ड ईयर में रूम था, थर्ड और फोर्थ ईयर में, तो बस यही है। और बाकी लोग सब मिलने आए हैं तो एक बार हाय सब लोग, बस हाय कर दो। जैसे बायोटेक के जूनियर्स हैं, सिविल वाले लोग हैं, बायोटेक। क्या नाम है तुम्हारा? प्रत्यूष। यार एक तो सर मत बोला करो यार, मतलब अभी एक तो मतलब ऐसे नहीं है रुड़की में कल्चर सर बोलने का, नाम से बोला करते थे हम तो हमारे सीनियर्स को। हम लोग तो नहीं बोलते, हम लोग तो चार साल लग गए, मैं उसको आज तक गाली देता हूँ जब भी मेरे को सर बोलता है। लेकिन आर्किटेक्चर वालों का अलग सीन है, आर्किटेक्चर वाले लोगों का तो अलग ही सीन, आर्किटेक्चर वाले लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं। बाकी किसी ब्रांचेज में नहीं बोलना होता यार, मतलब मैं तो उसको आज भी गाली देता हूँ कि भाई तुम्हें को सर चार साल गाली खा रहा हूँ। यार तो ये हम लोग का विंग था, यहाँ पे बैठे के कुछ लोग रहते थे, अभी तो जूनियर्स रह रहे हैं, बट काफ़ी वियर्ड है यहाँ पे हम लोग बैठ के बकचोदी किया करते थे। अभी भी मैं जूनियर्स के साथ हूँ यार, ये लोग जब मतलब मेरे से दो साल छोटे हैं सब लोग, अभी सब लोग फोर्थ ईयर में है, तो लास्ट लोग हैं जिनको मैं ढंग से जानता हूँ और जो लोग अभी कैंपस में बचे हैं, तो बस इन लोगों से मिलना है यार। अभी मेरे रूम जाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, और फिर वो देखता हूँ उसमें कौन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम व्लॉग बनाओ तो तुम सब चीज़ एकदम फास्ट स्पीड पर नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ के लोगों को रुकना पड़ेगा। बट हाँ यार, अब ये वाला जो विंग था यहाँ पे हम लोग सब रहते थे साथ में, जैसे ये एक हिमांशु था, फिर उसके बाद करणदीप, निखिल, एक और हिमांशु, यासीन। या तो ये था जो मेरा रूम था अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, अभी जिस बंदे का रूम है वो है नहीं यार रूम पे, तो अभी मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, वो ताला नहीं है। और ये जो पूरा विंग है, ये पूरे विंग में बायोटेक वाले रहते थे, और साथ ही में इसके साथ जो ये पूरा विंग है, इस पूरे विंग में बायोटेक के लोग थे सारे, तो काफ़ी बढ़िया था यार। अभी तो काफ़ी सैड लग रहा है क्योंकि कोई है ही नहीं यार, मतलब ऐसे यहाँ से खड़े होकर हम लोग क्रिकेट खेलते थे और चेयर करते थे। अभी अननोन सेकेंड ईयर्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, फक एकदम डिफरेंट यार। तो ये रविंद्र है, अपन लोग रविंद्र से निकल गए अभी, हेलो। और अभी ये डिपार्टमेंट का रोड है, डिपार्टमेंट जा रहे हैं, आई थिंक कुछ तो मेरे को नॉन फेसेस मिले हैं। हाय व्हाट्सअप, क्या नाम है तुम्हारा यार? हाँ रामी, रामी महबूब। महबूब कौन सी यार, कौन सा डिपार्टमेंट? मैकेनिकल। फोर्थ से मैकेनिकल? नहीं नहीं यार, ऐसे मैं तो मैं बस लोगों से मिलने आया हूँ, मैंने बोला कि यूट्यूब पर वीडियो बना लूँगा थोड़ा सा, तो हाँ यार वही प्लान यार। तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता तो काफ़ी बढ़िया था। ये कुछ तो एक हमेशा से खंडर से जाने वाली डेरी थी यार, इसकी फोटो लेनी है एक मिनट अपना दो। और ये जहाँ पे प्रोफेसर रहते हैं वो वाला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप है, और एक्चुअली हॉस्टल काफ़ी पास था डिपार्टमेंट से, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट था। मैं एक फोटो लेता हूँ इसका, फिर डिपार्टमेंट जाते हैं। डिपार्टमेंट में को प्रोफेसर से मिलना है, मुझे श्योर नहीं है मैं उनके सामने व्लॉग कर पाऊंगा एक्चुअली, बट ठीक है आई विल ट्राई। और मैं डिपार्टमेंट दिखाता हूँ एक्चुअली कैसा था, लैब्स में जाऊँगा कुछ पक्का। तो देखो ये था मेरा डिपार्टमेंट चार साल के लिए, मेरी डिग्री जब मुझे मिली थी तब बायोटेक थी, अभी इन लोगों ने नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग कर दिया है। ये नया डिपार्टमेंट था, ये ओल्ड बिल्डिंग ऑफ बायोटेक डिपार्टमेंट है। तो अभी हम नए वाले में चलते हैं, सारे प्रोफेसर यहीं पे होंगे। मेरे साथ संचित है, वो फाइनल ईयर बायोटेक में है, तो मैं उसके साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही मॉरल सपोर्ट। ओके तो मैं डिपार्टमेंट में हूँ, बट दी अपडेट है इसकी कोई प्रोफेसर नहीं मिला, सब लोग ऑफिस में नहीं है यार, तो मैं बस से घूम के चक्कर मार के आ गया। अगर डिपार्टमेंट देखना है तो यार काफ़ी ही ग्लास हाउस जैसा ऐसा लगता है, यहाँ पे पेड़ होते थे ना वैसा लगता है थोड़ा, बट हाँ स्टिल इट्स प्रीटी गुड। तो हाँ मतलब ऐसा है कि कुछ ऑफिस हैं प्रोफेसर के बीच में और ऐसे लैब्स हैं उनके साथ में जनरली। ये हमारे सारे प्रोफेसर्स के नाम है, इफ़ यू कैन सी, इफ़ यू वॉन्ट टू सी। मैं जिस जूनियर के साथ आया था अभी, कुछ तो काम बता रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उसके बाद हम एक दो और प्रोफेसर से मिलने चलते हैं। या चलो डिपार्टमेंट से तो निकल गए, एक प्रोफेसर मिले बाद में, और फिर उसके बाद इसे थोड़ा बहुत पीएचडी वाले जिन लोग साथ काम किया था। अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, आई थिंक एक बार गांव तरफ चलते हैं। तो बेसिकली नेस्कैफे होते हैं। हाँ तो बेसिकली हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट ऐसा था कि गाँव इज़ ऐसे हिल से नीचे उतर के जो भी हॉस्टल्स हैं उसको गाँव बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं इसको पिछड़ा हुआ मानते, क्या रीज़न है मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट हाँ उसको गाँव बोलते हैं। तो अब हॉस्टल्स वगैरह हैं वहाँ पे, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जो पूल वगैरह, टेबल टेनिस वगैरह है, CCD है वहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं सस्ती कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% ऑफ में मिलती है शायद, थोड़ा ज़्यादा मार्केट से CCD, तो सस्ती कॉफ़ी पीते हैं। या तो ये रोड देखो, ये रोड कितना ज़्यादा सुंदर है, ये जो सामने है ये हमारा मेस है, और जो रोड दिख रही है उस रोड के इधर से लेफ्ट जाके हमारा हॉस्टल है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे मेस के आना पड़ता था, हमारा हॉस्टल वहाँ पे है, तो हमें एटलीस्ट 400 मीटर चलना पड़ता था हमारे हॉस्टल से मेस आने के लिए, जो कि एकदम टास्क था, जो कि अभी भी ये लोग कर रहे हैं और पता नहीं कैसे कर रहे हैं।
पर मैं तो बहुत ही कम मैच आता था इसी वजह से। हाँ मतलब आदत तो हो गई थी उस टाइम पे, बट अब लगता है यार कि कैसे आते थे। और एक्चुअली मैं तो काफ़ी कम आता था, बट हाँ यार ये मैच है और फिर उसके बाद ये पीछे वाला रास्ता है और ये पीछे रास्ता है। भैया मैं तो एकदम ऑब्सेस हो गया हूँ वापस की, इतने सारे पेड़ इतनी सारी हरियाली कैंपस में, भाई घर में तो घर के आसपास तो दिखता ही नहीं है, फक नॉस्टैल्जिया, बट हाँ यार। और फिर यहाँ पे फ्रूट चाट वगैरह लगता था उस तरफ पे, एक नेस्कैफे टाइप है, तो अभी वहीं पे चल रहे थे। या तो ये फ्रूट के कॉर्नर है जहाँ पे हम लोग हमेशा क्लास के बाद फ्रूट्स खाने आते थे, और फिर ये जॉर्जिया नेस्कैफे जहाँ पे स्नैक्स और कॉफ़ी वगैरह मिलता था सस्ता था। और ये आर्ट वर्क है जो कि कैंपस के लोगों ने किया है। और एक तू भी था इसमें? ओ नाइस, ओ ये भी था इसमें, तो या एक ये है और दूसरा यार एकदम ब्रिलियंट कलर है यार। तो अभी हम लोग फ्रूट चाट ले रहे हैं, तब तक मैं एक बार एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया था हमारे टाइम में एटलीस्ट। या तो ये एरिया जॉर्जिया था जिसको हम लोग जॉर्जिया बोलते थे, नेस्कैफे या जो भी, तो यहाँ पे बेसिकली सारा कॉफ़ी और थोड़ा बहुत स्नैक्स मिलता था। और ये पूरा बैठने का जगह था यार, जो कि अभी यहाँ पे चेयर्स वेयर भी हटा दिए पूरे और जंगल सा हो रहा है। और अगर आपको ये भी दिखा, पूरा काम वाम चल रहा है अभी, बट हाँ यार पहले बार अच्छा हुआ करता था। बट अब ये जो है अभी इसके उस तरफ पे यहाँ पे PNB है जो कि बैंक था, और उसके उस तरफ पे स्टूडेंट क्लब है एक और जहाँ पे वही स्नूकर वगैरह टेबल टेनिस है, तो वहाँ चलते हैं। सामने पोस्ट ऑफिस है तो ऑफकोर्स दैट इज़ दैट। अभी फटाफट से जूस ले रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टूडेंट क्लब चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी है, मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, तो थोड़ा सा रिहाइड्रेट होते हैं उसके बाद चलते हैं। या तो ये स्टूडेंट क्लब यहीं पे सारा कुछ फन वाला, अंदर चलते हैं फटाफट से। या तो हम लोग स्टूडेंट क्लब से तो निकल गए हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस था और कोई कुछ पूल टेबल भी खाली नहीं था कि हम खेल सकते। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन बिल्डिंग की तरफ से और थोड़ा सा मैं वो कैंपस देखने यार बस। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, विच इज़ और ये मेरा एक बैग परेशान कर रहा है, फक ठीक है।